आपल्याला त्या अर्थाने जमाव करायचा नव्हता पण आपण इतकी वर्ष चुकलो का आपण जे प्रयत्न केले त्याचा विचार करायची वेळ आली आहे का असे सवाल करून नोटबंदी कलम तीनशे सत्तर याबाबतीत काय खरे काय खोटे काहीच कळू दिलं जात नाही असं मत अभिनेत्री नंदिता दास यांनी व्यक्त केलंय मिळून साराजणी या मासिकाच्या तिसाव्या वर्धापन दिन कार्यक्रमात संवेदनशील दिग्दर्शक सुनील सुखकथनकार यांनी नंदिताला बोलते करून सर्वांना तिच्या गप्पांमध्ये सहभागी करून घेतलं त्याआधी मिळून साराज अंकाचं आणि ईबुकचं तसेच सरिता आवड लिखित हमरस्ता नाकारताना या पुस्तकाचं प्रकाशन करण्यात आले तृतीय पंत्यांसाठी काम करणाऱ्या सोनाली दळवी मासिकाच्या संपादिका गीताली वी म आणि संस्थापिकास विद्याबाळ

श्योर sure. तो सबसे पहले आ, आपका सारा एक्टिंग करियर देखने के बाद आ, और कभी कभी छोटी छोटी मुलाकातें हम दो, की, दोनों की हुई तब भी ये बातचीत कभी नहीं हुई कि बेसिकली आप एक्ट्रेस कैसे नहीं बल्कि क्यों बनी एक मेरे मन में सवाल आता था, था कि आपको पहले से बनना था ये पहले से कुछ मन में ऐसे एम्बिशन थी या कुछ प्लान था या एक्सीडेंटली हुआ कैसे हुआ बिल्कुल ही एक्सीडेंटली हुआ मैंने अपना बीए ज्योग्राफी में किया इसलिए कि स्कूल में बहुत अच्छी टीचर थी उसके अलावा कोई और कारण नहीं था तीन साल करने के बाद फिर उतना अच्छा नहीं लगा तो uh, मेरी माँ क्योंकि उन्होंने पीएचडी पढ़ी है और काफ़ी मतलब नेशनल बुक ट्रस्ट में काम करती थी तो उन्होंने कहा कम से कम एमए तो करना चाहिए तो मैंने कहा कि मैं किस चीज़ में करूँ मुझे पता ही नहीं तो मैंने एक साल का गैप लिया तब ऋषि वैली एक स्कूल है जो जय कृष्ण मूर्ति ने शुरू की थी वहाँ जाके चार महीने पढ़ाया था तो कि मुझे ऐसा कुछ पढ़ना है अगर पढ़ना ही है तो कुछ ऐसा पढ़ना है जिसमें लोगों से एक संपर्क रहे तो इसीलिए मैंने फिर मास्टर्स इन सोशल वर्क किया और कुछ दिल्ली में कुछ संस्थाएँ थी जो लड़कियों के साथ काम करती थी बच्चों के साथ काम करती थी वो करने के बाद बहुत ही इतफाक़ की बात थी कि, कि किसी ने मुझे दीपा मेहता से मिलवाया मैं नुक्कड़ नाटक करती थी स्कूल में बल्कि ये जो आज गाना जो हिंदी में गाया कि यू नो गिरजाघर को बांट लिया है मंदिर मस्जिद गिरजाघर को बांट लिया है इंसान इंसान ने धरती बांटी सागर बांटा मत बांटो भगवान को तो ये इस तरह के जो गाने थे हम लोग अपने उन दिनों में गाया करते थे स्ट्रीट थिएटर करते थे लगता था कि हम दुनिया बदल रहे हैं एक नाटक से सब कुछ ठीक हो जाने वाला है उस तरह का एक पागलपन एक आइडियलिज्म था अब अब शायद अभी भी आइडियलिज्म है पर थोड़े और रियलिस्टिक हो गए Uh, तो उस वक्त फिर फायर बिल्कुल इत्तेफाक से हुआ मैं मिली मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और अभी जैसे सोनाली जी ने बताया अभी कि क्या हालत है अभी थ्री सेवन सेवन थैंकफुली फाइनली रिपील कर दिया गया लेकिन उसके बाद भी मानसिकता चेंज करना इतना आसान नहीं है तो फायर जबकि उसके बाद इतनी चर्चाएं हुई अच्छी बुरी हर तरह की उससे फायर मेरे लिए भी एक टर्निंग पॉइंट था क्योंकि उससे मेरी भी एक पर्सनल ग्रोथ हुई मैं काफ़ी लिबरल फैमिली में पली बढ़ी हूँ वैसे पिताजी पेंटर हैं माँ राइटर हैं तो उस तरह की सोचने की सवाल करने की छूट हमेशा से थी लेकिन फिर भी कुछ सब्जेक्ट्स थे जो हम जिसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करते थे और ये मैं तेईस साल पहले की बात बता रही हूँ जब हमारे पास ना वो वोकेबलरीरी थी ना उस तरह की बात पब्लिक डोमेन में होती थी तो आ, फायर उस तरह से मेरे लिए एक बहुत अहम फिल्म रही उसके बाद धीरे धीरे कुछ और प्रोजेक्ट्स आते गए ज़्यादातर कमर्शियल सिर्फ बॉलीवुड जिसको कहते हैं उस तरह की फिल्में आती गई पर क्योंकि वो कभी भी मेरा ना मकसद था ना मुझे उसमें जाना था तो मैं बॉम्बे भी नहीं शिफ्ट हुई उस तरह की फिल्में भी नहीं की फिर मैंने देखा कि रीजनल फिल्में जो एक नाम मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि वो उतनी ही इंडियन फिल्में हैं लेकिन रीजनल फिल्मों में जो स्टोरीज़ आ रही थी उसमें मुझे लगा ज़्यादा कन्विक्शन ज़्यादा ऑनेस्टी है शायद इसलिए भी कि देव मतलब उनको हमेशा एक कंपटीशन नहीं करना पड़ता